केंद्र सरकार देश में नई शिक्षा नीति के तहत जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में शिक्षा, शोध और अनुसंधान को बढ़ावा दे रही है। इसी क्रम में केंद्रीय जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने देश में पहली बार DBT हैंडबुक और ब्रिक RCB PhD बायोसाइंसेज कार्यक्रम की शुरुआत की है। जैव प्रौद्योगिकी में बढ़ते युवाओं के बढ़ते अवसरों के विषय पर हमारे संवाददाता OP यादव ने खास बातचीत की क्षेत्रीय जैव प्रौद्योगिकी केंद्र फरीदाबाद के कार्यपालक निदेशक डॉक्टर अरविंद कुमार साहू से। हैंडबुक और ब्रिक PhD कार्यक्रम की लॉन्चिंग की गई, इस कार्यक्रम के आयोजन के क्या मायने रहे, इसी विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है जैव प्रौद्योगिकी संस्थान रीजनल क्षेत्र के निदेशक डॉक्टर अरविंद साहू। ये जो कार्यक्रम का आपने आयोजन किया, इसका क्या मकसद था? इसका मकसद ये है कि एक नया PhD प्रोग्राम बनाया जाए, जो ऐसा बनाया जाए कि जिसमें केवल नॉर्मल जैसे PhD में लोग हम लेते हैं और वो किसी संस्था में जाते हैं, किसी एक लैब में काम करते हैं, लेकिन उनका जो ट्रेनिंग है वो ज़्यादा अच्छे से होना चाहिए। और दूसरा, एक इमर्जन प्रोग्राम जो हमने इसमें डाला है, उसका मतलब ये है कि जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं भारत की, उसको पहले सीखें, उससे क्वेश्चंस डिराइव करें, फिर लैब में जाएं और फिर उसके ऊपर PhD करें। ये करने से हमें जो PhD ट्रेनिंग होगी और उनकी जो समझ होगी भारत के प्रति और उसके प्रॉब्लम के प्रति, ये ज़्यादा अच्छी होगी, इसीलिए ये चीज़ हमने नई ऐड की हुई है उसमें। दूसरा ये है कि इसमें सारे संस्था के जितने ले रहे हैं, जैसे 15 है अभी DBT में, सभी के लिए हम लेंगे, 6 महीने एक साथ वो रहेंगे। इससे होगा ये कि एक कॉमरेडरी डेवलप होगी, एक दूसरे को जानेंगे, तो वो जब एक वापस भी अगर जाते हैं और उन्हें कुछ एक दूसरे की मदद चाहिए, तो केवल एक फ़ोन पिकअप करके बात कर सकते हैं। जो कॉमरेडरी डेवलप होती है केवल एक संस्था के बच्चों में होती है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि 15 संस्था के बच्चों में एक साथ हो, तो ये उसका जो है फ़ायदा है। नई शिक्षा नीति में भी कई तरह के बदलाव किए गए हैं, वो युवाओं के लिए प्रेरित करने वाले हैं, आपके यहाँ किस तरह का नवाचार है उसी को लेकर? तो जैसे नई शिक्षा के प्रति, जैसे कि एक इंटीग्रेशन होना की बात करते हैं हम, कि कोई भी PhD अगर लाइफ साइंस में करना है तो आना चाहिए, तो इसमें हमने कुछ उसमें कंपोनेंट्स डाले, जैसे कि इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट होते हैं जो बायोलॉजी नहीं पढ़ते हैं, नॉन बायोलॉजिकल साइंसेस है, वो भी यहाँ आ पाएंगे, MBBS भी आ पाएंगे, उसके लिए हमने एक अलग से एक फेलोशिप भी बनाई है जो उन्हें दी जाएगी, ताकि वो आए, एक दूसरे के साथ रहे, सीखे, तो एक नए चीज़ का इजाद हो सकता है। तो ये तक क्षेत्रीय जैव प्रौद्योगिकी केंद्र फरीदाबाद के कार्यपालक निदेशक डॉक्टर अरविंद कुमार साहू, जिनका मानना है कि DBT हैंडबुक और ब्रिक CRB PhD कार्यक्रम के जरिए एक और जहां संस्थान में हो रहे कार्यों की जानकारी देने का काम होगा, वहीं दूसरी ओर युवाओं को इस क्षेत्र में प्रेरित कर राष्ट्र निर्माण में एक नया मानव संसाधन करने का कार्य भी होगा। मेरे से की कैमरामैन विश्व बंधु के साथ OP यादव, DD न्यूज।